तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं आ रहा हूँ, वो है आईडी एंड क्लासेस। वो हम थोड़ा, एक मिनट में लिख लेता हूँ, डिव, ठीक है, मैं एक डिव लिख लिया। तो हम कुछ भी लिख लेते हैं डिव के अंदर, फिर हम जाते हैं इसमें ना, हम लिख लेते हैं दिस इज अ नैव सेक्शन, नैव वर्ड, ठीक है। फिर हम लिख लेते हैं, एक और डिव बनाएंगे, दिस इज अ कंटेंट सेक्शन। तो फिर हम लोग एक और डिव बनाएंगे, दिस इज अ फुटर, ठीक है। तो हम लोग ये तीनों डिव बनाए हैं। तो डिव का यूसेज मैंने अपने पिछले क्लास में ही बोल दिया था। तो इसमें अब हमारा, हम क्या एक क्लास में पढ़ेंगे, तो हमारा है मेरा तुम्हारा क्लास सेम हो सकता है, राइट। पर हमारा जो रोल नंबर होता है वो तो कभी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि अटेंडेंस कैसे होगा, सब कुछ सब पहचानेंगे कैसे। तो इसका भी वही सेम है, हम क्लास, एक क्लास के अंदर बहुत सारे डिव लिख सकते हैं, लाइक एक क्लास नेम यूज कर सकते हैं, पर आईडी यूनिक होता है। ईच मतलब एवरी एलिमेंट हैज अ यूनिक आईडी, ठीक है। तो आईडी हमको यूनिक देना पड़ता है। ये बेसिकली इसका यूज केस क्या है, हम सीएसएस में जब कलर्स वगैरह ऐड करते हैं तो हमको दिक्कत आते हैं कि एक डिव में, अगर मैं डिव में बैकग्राउंड कलर ब्लू डालूँ तो पूरा का पूरा तीनों डिव का कलर का बैकग्राउंड ब्लू आ जाएगा। तो हमारा नैव बार, कंटेंट सेक्शन, फूटर, सबका कलर अगर ब्लू आ जाए तो हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे किस में क्या है, वो तो अच्छा नहीं दिखेगा ना। तो इसके लिए हम लोगों को इसको एक आईडी देना होता है, क्लास देना होता है, ताकि हम ये सब सेट कर सके। तो हम देख लेते हैं, वो हम सीएसएस वाला पार्ट सीएसएस का क्लास में करेंगे, पर यहाँ पर थोड़ा क्लास और आईडी का यूसेज देख लेते हैं। लाइक मैं क्लास देता हूँ, इसका क्लास दे देता हूँ समथिंग, उम्मीद वन दे दिया। इसका आईडी दे देता हूँ नैव बार, ठीक है। तो इसका क्लास में देता हूँ समथिंग होम, ठीक है। तो अब आई डी इसका दे देता हो कंटेंट, और इसका भी वही सेम चीजें कर रहा हो, क्लास इक्वल्स टू कुछ भी दे दो, फुट आई डी इक्वल्स टू फुटर, ठीक है। गलत हो गया तो ये मैं दे दिया फुटर, ठीक है ना। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, देखो ये सब आ गया, दिस इज द नैव बार, दिस इज द कंटेंट सेक्शन, दिस इज द फुटर, ठीक है। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, हम जब सीएसएस करेंगे तब इसका एग्जैक्ट मतलब दिख जाएगा डिफरेंस क्या आ रहा है बेसिकली। तो देखो, अगर मैं इसमें कंटेंट में बहुत सारे चीज़ें हो सकता है, बहुत डीप हो सकता है होम पेज में हमारा, तो हम लोग दो तीन और डीप कॉपी कर लेंगे। हो गया, तो हमारा क्लास नेम रह गया होम, हम आईडी चेंज कर लेंगे, ये रह गया कंटेंट टू, ये हो गया कंटेंट थ्री, ठीक है। तो ये हम कर ले, तो ये देखो तीनों आ गया, पर ये तीनों का आईडी डिफरेंट है, क्लास एक ही है होम। और हम लोग जब होम यूज करेंगे सीएसएस का प्रॉपर्टी यूज करने के लिए, तो इसका होम का बैकग्राउंड शायद हम रेड दे देते हैं। तो रेड देने पर क्या होगा, इसका पूरा पूरा होम सेक्शन रेड हो जाएगा। तो
पर हमारा हम इस टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं होम का वो Content1 ID का, तो हम लोग वो चेंज करने के लिए सिर्फ इस सेंटेंस का ही चेंज करना है, फर्स्ट वाला दिस इज द कंटेंट सेक्शन। तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे, आईडी यूज करेंगे जो हमारा है सिर्फ कंटेंट। अगर इसका चेंज करना हो तो फॉन्ट क्या करेंगे, सिर्फ कंटेंट जो आईडी करेंगे, जो आईडी यूज करेंगे वो है Content2। तो ऐसे ये काम करता है आईडी और क्लास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसका यूसेज हम लोग ज्यादा देखेंगे CSS, और जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे तब इसका यूसेज ज्यादा हम देख पाएंगे। तो बस यही है, इतना ही इसके बारे में, और डिटेल्स हम CSS के वक्त कर लेंगे। अभी हम जाएंगे।